हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। तो कल रात में कब्जा एक ट्रेलर आया है, आई थिंक कन्नड़ मूवी की तरफ से। ये कन्नड़ मूवी का ये तीसरा बिग बजट मूवी है ऐसा बोलेंगे। पहला तो KGF ही बोलेंगे, उसके बाद में 777 चार्ली। बजट मूवी नहीं था लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था मूवी ने। उसके बाद में KGF 2 और KGF 2 पकड़ लिए, तो ये तीसरा जो है वो अच्छा खासा बजट वाला कन्नड़ मूवी की तरफ से आने वाला मूवी है। और भाई साहब, सच बताओ, कन्नड़ मूवी काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी बेटर मूवीज दे रही है अभी रैदर देन अदर इंडस्ट्री, मैं ये बोलूंगा। क्योंकि वो लोग टिपिकली एकदम क्लेम मूवी दे रहे हैं ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि उन्होंने जो अभी इस तरह की मूवी दी है ना कब्जा, मतलब वो ट्रेलर देख के आपको घुसबम्स आ जाएंगे। और ट्रेलर की सबसे अच्छी चीज़, एक नोटिसेबल चीज़ ये थी कि हर एक म्यूजिक बीट पे उन्होंने ट्रेलर को एडिट किया था। उन्होंने अब ट्रेलर के बाद में म्यूजिक ये किया या फिर पहले म्यूजिक दे के उसको ट्रेलर में एडिट किया वो नहीं पता, लेकिन जिसने भी एडिट किया है ना, हैट्स ऑफ है भाई। काफ़ी बहुत बेहतरीन सुंदर किया यार, मतलब एक नंबर लगा मुझे। और दूसरी चीज़ ये लगी कि मुझे इसकी कलर ग्रेडिंग KGF से बेटर लगी। अब आप लोग बोलोगे यार KGF से बेटर तो हो नहीं सकता। हो सकता है भाई, तो मेरी जान प्रॉब्लम ऐसा है कि KGF में इतना डार्क कर दिया था और जो कैरेक्टर थे उनको एकदम ही वाइब्रेंट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका ध्यान खाली कैरेक्टर की तरफ जा रहा था, आपका ध्यान बैकग्राउंड में नहीं जा रहा था। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, VFX में जो भी गलतियाँ हैं ना वो छुपाई गई। तो ये ना ट्रिक होती है, ये बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन जब डार्क कोई सीन करते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ VFX की चीज़ें छुपाई जाती है, जो भी हमारी कमजोरी होती है वो छुपाई जाती है, तो जिस वजह से उसको थोड़ा सा डार्क किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉपर DI किया था। और उपेंद्र और किच्चा सुदीप इसमें दिखे मेरे को, उपेंद्र का मुझे रोल इसमें ज़रा ज़्यादा लगा। वो जब बाहर निकलता है गाड़ी से सिगरेट पीता है, वो भाई DI में बोलिए उसका कॉम बोलिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त किया है यार। वो इतना सही शॉट लगा मेरे को, मतलब मैं ऐसा शॉट्स बहुत कम देखता हूँ। सिगरेट पीने वाले शॉट्स तो हमने बहुत देख लिए, लेकिन वो सिगार पीने वाला जो शॉट्स उन्होंने किया है ना, मतलब भाई लाजवाब था, सही में तारीफ करने लायक था। किच्चा सुदीप का रोल मुझे इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि KGF की कॉपी है। भाई देखो, अब ऐसा है कि दोनों फिल्म एक ही इंडस्ट्री से आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेम तो नहीं होगी। हाँ, इन्होंने कवर सेम लगाया है, मतलब वहाँ पे भी माँ का एंगल था, यहाँ पे भी माँ का एंगल दिख रहा है, वहाँ पे भी दो भाई थे, यहाँ पे एक ही भाई है। लेकिन फिर भी मतलब ओवरऑल बोलने का नतीजा ये है कि हो सकता है कि मूवी के अंदर माल दूसरा हो, लेकिन फिर भी कवर तो हमको अभी भी सेम ही लग रहा है। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि KGF जैसा ही कोई फील दे रहा है, लेकिन होप्स हो यार कि वैसा ना हो, कुछ और स्टोरी देखने को मिले ताकि मज़ा ज़्यादा आए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्रेलर था कब्जा। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, और ऐसे मूवी को रिकमेंडेड करना चाहिए यार, बहुत तो ज़बरदस्त ट्रेलर था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सुबह सुबह वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि रात भर मेरे को 7 से 8 लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके बोला कि भाई रिव्यू दो इसका, रिव्यू दो इसका, तो इसीलिए मेरे को जल्दी में बनाना पड़ा। और मैंने अभी देखा तो मेरे को बहुत पसंद आ गया भाई ये ट्रेलर, सही में यार बहुत पसंद है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लो, क्योंकि कर लो ना यार, क्योंकि नहीं होता यार कोई कोई चीज़ों में, क्योंकि नहीं होता, कर लो फॉलो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, देखते हैं अभी कोई अच्छा कुछ आया है कि नहीं आया, तो नहीं बनाऊंगा, आया होगा तो ही बनाऊंगा, ज़बरदस्ती वीडियो मैं नहीं बनाता। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू। होप सो आज मैं एक ब्लॉग करूंगा, अगर बारिश चली गई तो मैं कहीं जाऊंगा फ्रेंड्स की तरफ, तो मैं एक ब्लॉग करूंगा, तो वो मैं ब्लॉग वाले चैनल पर डालूंगा, तब आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। थैंक यू।